नमस्कार, म अहिले गान्तोकको सदर पुलिस थाना अगाडि उभिरहेको छु र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि आज सामाजिक सञ्जालमा विशेष त एउटा विवाद चर्किरहेको थियो कि सिक्किमका चालक अनि बङ्गालका विशेष बागडुग्राका चालकहरूको बिचमा केही मतभेद भएको थियो र यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्चाको विषय बनिरहेको छ र भर्खरै मात्र यहाँनिर गान्तोक एसपीको अध्यक्षतामा एउटा मिटिङ सम्पन्न भएको छ अनि बागडुग्रा भेकल एसोसिएसन का प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यस मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो भने सिक्किमबाट सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटी अनि ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन की भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो र के भयो मामिला अनि के समाधान भएको छ यो बारे हामी सुन्ने छौ। के हुआ अन्दर, के हुआ मतलब प्रब्लम क्या था? एक्चुअल प्रब्लम जो था ये आज से 10 दिन पहले का प्रब्लम था। बीच बीच में रात का मोटामोटी 11-12 बजे हम लोगों का जो एयरपोर्ट से टैक्सी चलने वाला सब टैक्सी टूरिस्ट लेके बागडोगर एयरपोर्ट से गैंगटोक आते थे, इन लोगों के लिए पार्किंग का एक व्यवस्था है हम लोगों का फिश फॉन्ड बोल के पालजर स्टेडियम के सामने में राइट लेफ्ट साइड में गाड़ी रखता था इन लोग, इसके लिए हम लोग पार्किंग पे भी करते थे। दो दिन से पिछले दो तीन दिन से देखा जा रहा है यहाँ पे दो तीन पुलिस जाके रात को 11-12 बजे सब ड्राइवर लोगों को फोन करके बुलाता है, बुला के बोलता है कि आप लोग यहाँ पे गाड़ी नहीं रख पाएंगे, आप लोग निकल जाओ। ये पहले भी 2-3 बार हो चुका था, हमने यहाँ का जो लग्जरी एसोसिएशन है उनको बार-बार मुँह से बोला था तो उन लोग भी शायद टाइम भी नहीं था, बिग टाइम था। तो यस्टरडे को कल शाम को भी सेम ऐसे घटना घटा, हम लोग का दो टैक्सी ड्राइवर था उन लोगों को बुलाया फ़ोन करके, बुलाने के बाद बोला आप लोग यहाँ पे गाड़ी रख नहीं पाएंगे। तो इसमें से हम लोग का दो भाई है जिन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, सर हम लोग यहाँ पे पार्किंग दे रहे क्यों नहीं रख पाएंगे, टूरिस्ट लेके आया इतना रात को आया सर, अभी कल सुबह हम लोग को अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो हम लोग को कुछ सोलह निकल दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस टाइम में थोड़ा दो चार बातों भाई हुआ शायद, तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उन्होंने फिर फ़ोन किया, दूसरा एक पुलिस बयान आया जिसमें से और दो तीन पुलिस ऑफिसर लोग आया, आने के बाद से डायरेक्टली हम लोग का दो ड्राइवर को वो हिट किया है, करने के बाद ये लोग थोड़ा इंजर हुआ, हमसे फ़ोन में भी बात किया दादा ऐसा ऐसा बात हो गया हम लोग क्या करें, तो हमने बोला ठीक है अभी जो भी हो गया अभी इतना रात को किसको डिस्टर्ब करेगा आप लोग थोड़ा मेडिकल करो, वो लोग मेडिकल करके आज सुबह वो लोग बागडोगरा एयरपोर्ट में आया, आने के बाद भी हम लोग को सब चीज़ बताया, हम लोग का जितना भी एसोसिएशन है वहाँ का लोकल हम लोग को दो तीन यूनियन है सबसे हम लोग बैठ के एक बात किया कि ये प्रॉब्लम हर साल हर बार हम लोग का साथ क्यों होता है, ये लेके हम लोग ये बातों बात किया। उसके बाद एसोसिएशन को सबको जानाया, यहाँ पे यहाँ का जो लोकल एसोसिएशन है हमारा सिक्किम का, इन लोग भी बहुत कोऑपरेटिव किया, आज एसपी साहब के साथ हम लोग को बैठाया, बात करवाया, फ़ोन में बात हुआ, होने के बाद उन्होंने बोला आप लोग आओ आके इसका क्या है टेबल में बैठ के सर बात करते हैं। अभी हम लोग डीएसपी सर एसपी साहब का साथ हम लोग टोटल 6 मेंबर बात किया तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, हम लोग को जो प्रॉब्लम था मेन इशू पार्किंग का वो पार्किंग का इशू का सॉल्व उन्होंने कर दिया, और जो हम लोग का लड़का का ऊपर जो टॉर्चर हुआ था ड्राइवर के ऊपर टॉर्चर हुआ था जो पुलिस ऑफिसर ने किया जो भी किया उसका अगेंस्ट में उन लोग इंक्वायरी करेगा इसका आश्वासन हम लोगों को दिया है, और ऑल सिक्किम का जितना भी एसोसिएशन है फुल सपोर्टेड में हम लोगों का था, हम लोग भी अच्छा लगा, हम लोग भी हमेशा सिक्किम को दूसरी नज़र से देखते हैं हम लोग, और सिक्किम को भी दूसरे नज़र से हम लोग देखते हैं, सिक्किम है तो हम लोग है, बंगाल है तो आप लोग है, तो मिल के चलना चाहिए, कोई भी चीज़ टेबल में नहीं बैठने से उसका समाधान नहीं होता है। तो आज जो मीटिंग हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ, आगे हम लोग एसपी सर आश्वासन दिया आप लोग गाड़ी रख सकते हैं वही रंका स्टैंड और जो आपका फिश पॉन्ड है वहाँ पे आपको आप लोग पार्किंग कर सकते हैं विदाउट पे, मैंने कोई कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, पार्किंग फी देना नहीं पड़ेगा। ओके, वो भी रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। तो हम लोग इसी डिसीजन से हम लोग बहुत खुशी है, ये बात हम लोग हर ड्राइवर लोगों को सिक्किम का ड्राइवर लोगों को भी बोलना चाहते हैं, बंगाल का भी ड्राइवर लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग कोऑपरेटिव करके चले, सीजन टाइम है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया गलती इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से। आज आप लोगों ने सिक्किम के गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया एयरपोर्ट के अंदर? ना, ऐसा कोई बात नहीं था, एक्चुअल बात है मॉर्निंग का बात हुआ है, हम लोगों ने सब ड्राइवर को बोला था जिसका जिसका भाड़ा है तुम लोग लेके आ जाओ, जिसका नहीं आप लोग आ जाओ यहाँ पे बैठ के एक सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कल रात को हम लोग बहुत कोशिश किया सबसे बात करने का कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने का रास्ता नहीं, तो हम लोग लोकल जो हम लोग का पीएसए पुलिस स्टेशन है उनसे बात किया, मीटिंग चलते टाइम में दो चार लड़का होता है जो कोई भी यूनियन का नहीं भी है शायद, ये लोग जाकर दो चार गाड़ी को रुकाया कि हम लोग अभी पैसेंजर उठाने नहीं देगा आपको, आप लोग वेटिए, लेकिन हम लोग खुद जाके दूसरा गाड़ी में लेके जाके भी पैसेंजर मैंने खुद बैठा दिया, जिनका बुकिंग था उनको दिया, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ये जो भी हुआ उसका सॉल्यूशन भी आज निकल गया, आगे हम लोग एसोसिएशन का साथ बैठेंगे, बैठ के और भी कुछ अगर प्रॉब्लम है एसोसिएशन वर्सेज एसोसिएशन हम लोग बात करके इसका शॉर्ट आउट करने का
चेष्टा करेंगे। लोगों का सिक्किम का टैक्सी से कोई इशू नहीं है, तो हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम हुआ था सिक्किम पुलिस से हुआ था। सिक्किम पुलिस हम लोगों का ड्राइवर से कॉपरेट नहीं करता है, मिसबिहेव कर रहा है। हम लोगों का बंगाल पुलिस भी कर रहा है, इसीलिए सब तरफ से हो रहा है। टैक्सी चालक लोग भी पीस रहा है, सिक्किम वाला भी पीस रहा है, बंगाल वाला भी पीस पुलिस भी सिक्किम के टैक्सी को बहुत तकदी देख रहा है, कर रहा है, हर जगह चेकिंग कर रहा है। तो इसका तो एक तो परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए ना। एक बार चेकिंग करके एक तो टोकन दे दो, जितना तारीख तक वैलिड है, पुलिस अप्रूव करके गाड़ी का स्टिकर सामने मार दो, तब तो सर हर जगह चेकिंग नहीं होगा ना। ऊपर से सिक्किम का पुलिस को अगर ड्राइवर लोग, हम लोगों का थोड़ा पढ़ा लिखा कम होता है, अगर बोलेगा हम सर नहीं समझ, हमारा मालिक से बात कीजिए, सिक्किम पुलिस बात नहीं करता है, लेकिन बंगाल पुलिस बात करता है, ये मिनिमम चाहे चालान करे केस करे कुछ भी बात करता है, लेकिन सिक्किम पुलिस बात करना है ठीक से कॉर्पोरेट नहीं करता है, ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग बंगाल से आते हैं, आप लोग भी सिक्किम में जाते हैं, लेकिन जो हम लोगों का टैक्सी जो गैंगटोक का है, हम लोगों का बागडोगरा का टैक्सी, ये दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। ये जो भी किया है पुलिस वाला हम लोगों से मिसबिहेव किया, हम लोग अभी सोच रहा है ज्वाइंट कमेटी बना के दोनों सिक्किम का और हम लोग बंगाल का हम लोग डेपुटेशन देंगे ऑल गवर्नमेंट को, बंगाल गवर्नमेंट को, सिक्किम गवर्नमेंट को, हम लोगों को टोकन सिस्टम बना के दो, हम लोगों का कौन सा पेपर कब तक अपडेटेड है, क्या क्या है, आप लोग टोकन सिस्टम दो, वो वैलिड देखो, साइन करके दो, एसपी लेवल को दो, कमिश्नर लेवल को दो, साइन करो, कोई गाड़ी ना रास्ते में चेक हो। ओके, इसमें पैसेंजर भी हैरेज हो रहा है, टूरिस्ट भी हैरेज हो रहा है। अच्छा, सिक्किम को पक्ष बट के बनाई छ? हाम्रो पक्षबाट त अब त्यति भन्नु त खासमा केही पनि थिएन, तर भए पनि उहाँहरूले भनेको अनुसार है कुरा गर्नुपर्दामा यो हिजो बेलुकाको जुन चाहिँ एउटा काण्ड भएको थियो, यो काण्ड हाम्रोमा पनि, हामी पनि एक्ज्याक्ट विटनेस त होइन त्यसको, र हाम्रोमा फोन आएको अनि भोइस मेसेज अनि कतिवटा क्लिप्सहरू आएको मार्फत हामीले यो कतिवटा स्टेप्सहरू उठायौँ। बिहानदेखि हाम्रोमा ठुलो ग्रुप छ है, त्यो वाट्सएप ग्रुपमा हामीले धेरै च्याटहरू गऱ्यौँ र साथै एयरपोर्टको जति पनि एसोसिएसन छ उहाँहरूसँग पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ चरी बराई गरेर कतिजनाले एकदमै रुमर फैलाएर चाहिँ यो एकदम सिरियस म्याटर हुनु गइरहेको थियो, यो कतिवटा यस्तो खाले सिचुएसनमा आइसकेको थियो हाम्रो भोइस मेसेजको मार्फत यो स्ट्राइक हुनेवाला धरीसम्म कुरा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ जति पनि गान्तोकमा एसोसिएसन्सहरू छौँ है, हामी जम्मैले एकाअर्कामा कोअर्डिनेट गरेर हामी तुरन्तै सरदार थानामा आएर हाम्रो डिएसपी साहब मिङ्गुर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग आएर हामीले कोअर्डिनेट गऱ्यौँ र उहाँको प्रेजेन्समा हामीले लाउड स्पिकरमा एयरपोर्टको हाम्रो यहाँ मिलन दा हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग हामीले बातचित गऱ्यौँ र उहाँकोबाट एकदम पोजिटिभ कुराहरू आयो, साथै हाम्रो यहाँको पुलिस प्रशासनबाट पनि एकदम पोजिटिभ कुरा आयो कि हामी एकदम कोअपरेट गर्ने हो, इभन हामी एसोसिएसनले पनि कोअपरेट गर्छ यो कुरालाई, किन हाम्रो ड्राइभरमाथि अगर यदि यस्तो अन्य अत्याचार भएको छ र अननेसेसरी टर्चर भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी कोअपरेट गर्छौँ भनेर यो खाले एउटा राम्रो डिसिजन आयो। र त्यो डिसिजन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग फेरि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाडीहरू, धेरै गाडीहरू एयरपोर्टको बाहिरदेखि रोकिरहेको थियो, तर त्यो रोक्नुमा चाहिँ अब उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ उहाँको एसोसिएसन चाहिँ कुनै हाई लेभल मिटिङमा गएको थियो र त्यो मिटिङ जाँदा चाहिँ कतिवटा त्यहाँनिर त्यस्तै हुन्छ ड्राइभर्सहरू, उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लम क्रिएट गर्दै थियो भन्दै थियो, यो धेरै यस्तो चलिरहेको थियो। त्यो हुँदा हुँदामा अब लास्ट मोमेन्टमा है आजको दिनमा यो एन्डमा चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू सल्भ भएर गएको छ। हामी बोथ द एसोसिएसन्स, बोथ कमिटी फ्रम वेस्ट बेङ्गल एन्ड सिक्किम अनि हाम्रो यहाँ पुलिस प्रशासन बसेर उहाँहरूलाई एसपी साहबले, हाम्रो यहाँ डिएसपी साहबहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो उहाँहरूलाई एउटा एस्योरेन्स जस्तै दिनुभएको छ कि उहाँहरूको जुन चाहिँ हिजो मेन इस्यु उठ्ने कारण चाहिँ पार्किङले गर्दा हो, यो एउटा ठुलो इस्यु छ हाम्रो गान्तोकमा पार्किङले गर्दा हो र उहाँहरूलाई एउटा पार्किङ कहाँनिर दिनुहुन्छ प्रपर पार्किङ भनेर हाम्रो एसपी साहबले एस्योर गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पार्किङ पनि दिनेवाला छ ताकि उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको त्यो पार्किङमा कसैले पार्किङ नउठाइदियोस् अनि कुनै प्रकारको पुलिस प्रशासनले पनि हेरेसमेन्ट नगरोस् भनेर त्यस्तो एस्योरेन्स उहाँहरूलाई दिनुभएको छ। अनि हाम्रो बिचमा एकदमै राम्रो एउटा मतलब एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हाम्रो कम्प्रोमाइज चाहिँ एकदम राम्रो भएर गएको छ। जति पनि केसको अन्डरमा, यो सदर थानाको अन्डरमा जुन जुन केसहरू हिजो बेलुकाको काण्डमा जे पनि आउँछ उहाँहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ र त्यसको बादमा उहाँहरूले एउटा राम्रो रिजल्ट दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनि हामी सबैजना त्यसमै खुसी छौँ भन्दै यो यतिमै राख्न चाहन्छु। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.